हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद टू ऑल। दिस इज विवेक श्रीवास्तव एंड आई एम हियर विद द सेकेंड चैप्टर ऑफ क्लास 7 हिस्ट्री। द चैप्टर इज न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल वेलकम बैक अगेन आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड, ऑलमोस्ट 2 months इन द कोरोना पेंडेमिक। ओके, सो आई थिंक यू ऑल हैव एंजॉयड वेल एट होम एंड स्टडीड द important topics related to this subject. Now come to the topic. The topic is new kings and kingdom from your history book, NCERT book, chapter number 2. The first topic that is given there, the emergence of new dynasties, emergence of new dynasties. So by the 17th century there were big landforms or warriors, chiefs in different regions of the subcontinent. It means by the 17th century, 17वीं शताब्दी आने आने तक बहुत सारे लैंडलॉर्ड जो थे या जो वॉरियर चीफ थे वो सारे जो है उजागर हुए, जिनको लोग जाने। सो एग्जिस्टिंग किंग्स ऑफन एक्नॉलेज देम एज देयर सबॉर्डिनेट आर सामंताज। सो जो एग्जिस्टिंग किंग्स थे उस टाइम के जो रहने वाले राजा थे, उन लोगों ने इन चीफ्स को, इन बड़े बड़े योद्धाओं को, वॉरियर्स को अपना सामंत नियुक्त किया। ओके, दे वर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट और बिग गिफ्ट फॉर देयर किंग्स आर ओवरलोड्स। यानी कि राजा की तरफ से ये एक्सपेक्टेड था, ये उम्मीद थी कि ये लोग हमारे लिए जो हैं ऑलवेज अवेलेबल रहेंगे, हमारे लिए ये गिफ्ट्स प्रोवाइड करेंगे। ओके, बी प्रेजेंटेड एट मिलिट्री सपोर्ट। यानी कि जब भी मिलिट्री में सपोर्ट होगी, लड़ाइयाँ होगी, तो ये सारे जितने चीफ्स हैं ये हमें सपोर्ट करेंगे लड़ाइयों में, हमारी तरफ से ये लड़ेंगे। ओके, एज सामंताज गेंड पावर्स एंड वेल्थ दे डिक्लेयर देमसेल्फ टू बी महासामंताज। यानी कि जैसे जैसे उनके पास पावर बढ़ने लगी, वेल्थ बढ़ने लगी, शक्ति बढ़ने लगी, तो उन्होंने अपने आप को सामंत से महासामंत बना दिया। ओके, प्रमोट कर लिया अपने आप को। द ग्रेट लैंडलॉर्ड्स ऑफ द सर्किल और द रीजन। महासामंताज मीन्स द ग्रेट लैंडलॉर्ड और सर्किल आर दैट रीजन। समटाइम्स दे असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर ओवरलोड्स। कुछ लोगों ने अपने आप को जो है फ्री दिखाया कि हम अब यहाँ से फ्री हैं, आपके अंडर में काम नहीं करेंगे। एग्जिस्टिंग रूलर्स को उन्होंने कब फॉलो नहीं किया, बोला कि अब हम फ्री हैं। ओके, वन सच इंस्टेंट वाज दैट ऑन द राष्ट्रकूटाज इन डेक्कन। इनिशियली दे वेयर सबॉर्डिनेट टू चालुक्याज ऑफ कर्नाटका। इन द मिड 8th सेंचुरी दांती दुर्ग एंड अ राष्ट्रकूट चीफ ओवर थ्रू ही चालुक्य ओवरलोड एंड परफॉर्म अ रिचुअल कॉल्ड हिरण्यगर्भ। इट मीन्स 18th सेंचुरी के मिड में राष्ट्रकूटास के एक राजा थे जिनका नाम था दांती दुर्ग। उन्होंने अपने आप को उस समय जो चालुक्य वंश, कर्नाटक का चालुक्य वंश था, उनके अंतर्गत ये लोग काम करते थे, उनके अंडर में काम करते थे, तो हिरण्यगर्भ ने अपने आप को फ्री कर दिया, मैं फ्री हूँ। और उन्होंने जो है एक रिचुअल, यानी कि एक उस समय की पौराणिक विधि या पारंपरिक पूजा पाठ तरीके से कुछ था, उन्होंने इसको किया और उन्हें हिरण्यगर्भ किया। इट मीन्स गोल्डन बॉम्ब। ओके, when this ritual was performed with the help of brahmans, it was throughout the load of rebirth of a sacrificer as a kshatriya। yani ki jaisa inhone is ritual ko, is niyam ko apnaya, panditon ke dwara puja karai gayi, to wo kshatriya mein convert ho gaye, even if was not one by birth। yani agar wo by birth kshatriya nahi hai, तो भी अगर उन्होंने हिरण्यगर्भ नामक जो पूजा है, जो प्रथा है, उसको अगर उन्होंने करवा दिया, तो वो क्षत्रिय के रूप में माने जाएंगे। क्लियर। इन अदर केस, दैट वाज द फर्स्ट केस ऑफ राष्ट्रकूटाज इन डेक्कन। एंड द नेक्स्ट, दैट इज मेन फ्रॉम एंटरप्राइजिंग फैमिली यूज देयर मिलिट्री स्किल्स। यानी कि
ऐसे लोग जो राजशाही परिवार से नहीं थे, बट उन्होंने अपनी मिलिट्री स्किल्स यानी कि लड़ने की शक्ति, ठीक है, उसके ऊपर उन्होंने क्या किया, ये कार्व आउट किंगडम, उन्होंने साम्राज्य की स्थापना की अपने मिलिट्री स्किल्स पे, अपने लड़ने की शक्ति पे, अपनी जितनी भी पकड़ थी उसका इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपने आप को क्षत्रिय घोषित किया, राजा बनाया। ऐसे एक एग्जाम्पल जो है ये फॉर इंस्टेंस द कडम्बा मयूर शर्मन एंड गुजारा प्रतिहर्ष हरिश्चंद्र वेयर ब्राह्मण्स हु गेव अप देयर ट्रेडिशनल प्रोफेशंस एंड टुक टू आर्म्स। ये लोग बाय बर्थ ब्राह्मण थे लेकिन उन्होंने अपने जो ब्राह्मण्स के रिचुअल्स हैं, जो नियम हैं, जो पूजा पाठ करने की कला है, उसको छोड़ के इन्होंने आर्म्स यानी हथियार उठाए, सक्सेसफुली एस्टैब्लिशिंग किंगडम इन कर्नाटका एंड राजस्थान रेस्पेक्टिवली, और उन्होंने कर्नाटक और राजस्थान में अपने साम्राज्य की स्थापना की। नेक्स्ट टॉपिक इज टू बी डिस्कस देयर, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम। अगर साम्राज्य बन गया तो साम्राज्य बनने के बाद इनके साम्राज्य में, इनके किंगडम में कैसा प्रशासन था। ओके, फर्स्ट टॉपिक हम लोगों ने यहाँ पे देखा द इमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज, यानी कि सॉरी आप लोगों को दिख नहीं जाओगा, द इमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज, एंड सेकेंड टॉपिक जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम, यानी कि आपके साम्राज्य में प्रशासन कैसा हुआ करता था, एडमिनिस्ट्रेशन। इन किंगडम्स यानी कि साम्राज्य में प्रशासन कैसा था। सो मेनी ऑफ दीज न्यू किंग्स अडॉप्टेड हाई सराउंडिंग टाइटल्स सच एज महाराजा, महाराजा धीराज, यानी कि महाराजों के भी महाराज, महाराजा धीराज। ओके, ओवरलोड ऑफ किंग्स त्रिभुवन चक्रवर्ती, यानी कि तीनों भुवन, हिंदी है, तीनों भुवन में सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा चक्रवर्ती, सबसे पहुंचे हुए, एंड सो ऑन। हाउएवर इन स्पाइट ऑफ सच क्लेम्स, यानी कि इन सब चीजों के बावजूद दे ऑफन शेयर्ड पावर्स विद सामंतास एज वेल एज एसोसिएट्स ऑफ द पीजेंट्स ट्रेडर्स एंड ब्राह्मण्स, यानी कि इतने शक्तिशाली होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी शक्तियों को अपने कंट्रोल में नहीं रखा, उन्होंने अपनी शक्तियों को अपने सामंतों के साथ मिलकर बांटा, इसके अलावा जो पीजेंट थे कुछ उन्हें शक्तियां दी, कुछ ट्रेडर्स को और कुछ ब्राह्मण्स को। ओके, इन ईच ऑफ दीज स्टेट्स रिसोर्सेज वेयर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स, दैट इज पीजेंट्स, कैटल कीपर्स एंड आर्टिसंस हु वेयर ऑफन पर्सुडेड आर कंपेल्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ व्हाट दे प्रोड्यूस, यानी कि इनके पास, इन राजाओं के पास पैसे कहाँ से आएंगे, इसके लिए इन्होंने अपने क्षेत्र में रहने वाले किसानों के ऊपर या जो कारीगर थे, कारीगर समझ सकते हैं आप लोग जो कुछ भी हस्तशिल्प वाला काम करते हैं, हैंडमेड वर्क, ओके, तो उनके ऊपर उन्होंने, या कैटल कीपर्स यानी जानवर या पशु रखने वालों के ऊपर उन्होंने जो है एक टैक्स चार्ज किया, एक प्रेशर डाला, यानी कि जो भी आपने प्रोड्यूस किया है, जो भी आपका उत्पादन है, उसमें से कुछ हिस्सा आपको राज्य के नाम पे देना पड़ेगा। ओके, समटाइम्स दीज वेयर क्लेम्ड एज रेंट ड्यू टू लॉर्ड हु असर्टेड दैट ही ओन्ड द लैंड, कभी कभी ये चीजें रेंट के रूप में देनी पड़ती थी, क्योंकि अगर राजा है तो ये पूरा एरिया, पूरा क्षेत्र जो है वो राजा का है, तो अगर राजा के क्षेत्र में अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसको आपको रेंट देना पड़ेगा। दीज रिसोर्सेज वेयर यूज टू फाइनेंस द किंग्स एस्टैब्लिशमेंट एज वेल एज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल एंड फोर्ट्स, यानी कि इन पैसों से राजा अपने सैन्य शक्ति को मजबूत करता था और मंदिर बनवाता था और किले बनवाता था। दे वेयर ऑल्सो यूज टू फाइट वार्स विच वेयर इन द टर्न एक्सपेक्टेड टू लीड टू द एक्सक्विशन ऑफ वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ प्लंडर एंड एक्सेस टू लैंड एज वेल ट्रेड रूट्स,
यानी कि इन पैसों के सहायता से सैनिकों को मजबूत करके राजा आसपास के क्षेत्रों पर आक्रमण करता था, लड़ाइयाँ करता था, और इन आक्रमण के माध्यम से उसके पास साम्राज्य का विस्तार होता था। नए नए ट्रेड रूट्स जो है इनके कब्जे में आते थे। अब इस रूट से जो भी जाएगा इनको टैक्स पे करते हुए जाएगा। इज दैट क्लियर? द फंक्शंस द फंक्शनरीज ऑफ कलेक्टिंग रिवेन्यू वेयर जनरली रिक्रूटेड फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज, यानी कि जो लोग रिवेन्यू कलेक्ट करते थे वो मुख्य रूप से राजा के परिचित लोग हुआ करते थे, यानी कि राजा से परिचित परिवार के लोग हुआ करते थे। वही लोगों का काम था रिवेन्यू कलेक्ट करना। ओके, एंड पोजिशंस वेयर ऑफन हेरिडिटरी, और जो उनका ये पद है वो वंशानुगत, यानी कि अगर वो मर गए तो उनका बेटा उस पोस्ट पे काबिज हो जाएगा। ओके, दिस वॉज ट्रू अबाउट द आर्मी एज वेल, यानी कि सेम यही चीज़ें जो है आर्मी के लिए थी। राजा का लड़का राजा तो सैनिक का लड़का सैनिक बनेगा। इन मेनी केसेस क्लोज रिलेटिव्स ऑफ द किंग हैड दिस पोजिशन, यानी कि आर्मी के लिए भी वही रूल था कि राजा के जो नज़दीकी लोग थे वही लोग इन ऊंचे पोस्ट पर बैठेंगे, जैसे मंत्री हो गया, सेनापति हो गया। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक दैट इज प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स। अगला आप लोगों का टॉपिक है प्रशस्ति और लैंड ग्रांट। ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस वीडियो। मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आई हैव डिस्क्राइब इन बोथ लैंग्वेज, इन हिंदी एंड इंग्लिश। दिस विल बी easy to understand for both kind of students, either you are a Hindi medium student or a English medium student, doesn't matter, but because I am using both languages here, I hope you will subscribe my channel. Thank you, have a nice day.